हे गाइस, सो वेलकम टू कुमार विजय ब्लॉग। तो आज मैं फिर से कोलकाता की एक नई जगह पे आया हूँ। आप लोग देख सकते हो, ये विश्व बांग्ला गेट है एक्चुअली। तो ये क्या है, कोलकाता का हैंगिंग रेस्टोरेंट है। तो ये पूरा आप देख रहे हो राउंड, ये एक्चुअली एक रेस्टोरेंट है। तो गाइस अभी तो 4 बज गए आते आते, हम लोग निकले लेट से थे, ठीक है। तो अभी लंच का टाइम खत्म हो गया, तो 12 से 3:30 बजे तक था। तो अभी क्या है कि अभी डिनर का टाइम होगा 7 बजे से, ठीक है। तो हम लोग 7 बजे फिर चलते अंदर। तो अभी बाहर से देख लीजिए, विश्व बांग्ला गेट यही है, कोलकाता का हैंगिंग रेस्टोरेंट, ठीक है गाइस। उसका वहाँ पर टिकट काउंटर आप देख सकते हो यहाँ पे। तो अभी आज लंच टाइम खत्म हो चुका है, तो अभी इस पर डिनर का लिए एंट्री करना पड़ेगा। तो क्या है कि रूल, आपको वहाँ पहले टिकट यहाँ पर कटाना पड़ेगा एंट्री, और वहाँ से फिर आप इस यहाँ से अंदर आ सकते हो। यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड अंकल रहेंगे। ये रहा लिफ्ट और ये रहा सीढ़ी, तो आप बोथ आप लोग जा सकते हो, ठीक है। तो चलिए चलते हैं बाहर। ये देखिए, ये सीढ़ी गई ऊपर एकदम सीधा रेस्टोरेंट को, ठीक है। और ये पूरा गोल पूरा ही रेस्टोरेंट है। हमारे विनोद भाई वहाँ पे फोटो ले ले। विनोद, यू वांट टू सी समथिंग? सो गाइस, यहाँ पे आप लोग अपने बाइक वगैरह ला रहे हो तो यहाँ पे आप पार्किंग कर सकते हो। तो गाइस ये है यहाँ का टिकट काउंटर, विश्व बांग्ला गेट का, ठीक है। भैया कब खुलेगा? 7 बजे। तो गाइस ये देखिए, यहाँ पर टाइमिंग यहाँ पर लिखी हुई है। तो लंच का टाइम 12:30 to 3:30, और डिनर का 7 बजे से लेके 9 बजे तक। तो ये यहाँ पर एक पार्क है, चलिए चलते इस पार्क में, क्या है देखते हैं। वाह, काफ़ी मस्त है। तो गाइस ये पार्क है एक्चुअली, ठीक है। अंदर जाके फायदा नहीं, चलते बाहर की तरफ। ये काफ़ी अच्छी जगह है, यहाँ पे आप बैठ के फोटोशूट वगैरह कर सकते हो। देख सकते हो 3 सीट लगी हुई है, और ये मिरर का है पूरा ऐसे ही, ठीक है। और ये पाथ पकड़ के आप जा सकते हो पूरा गोल गोल ऐसे करके, ये पूरा गोल है, इतना ही आप वापस भी यहाँ से आ सकते हो। तो ये पार्क यहाँ पर ऐसे ही है। विनोद एक फ़ोटो हो जाए तेरा। तो विनोद जी अपना फ़ोटो ले रहे हैं। तो गाइस काफ़ी फोटो शूट हो गई, ठीक है। और अभी तो काफ़ी टाइम है, तो 5 बज रहे, ठीक है, 7 बजे जाना है। तो चलते हैं हम लोग आसपास के इलाका को घूमने, निकालते हैं अपनी बूम बूम और चलते हैं, वापस आते हैं 2 घंटे बाद, ठीक है। और फिर से मिलते हैं, चलते हैं ऊपर और देखते हैं क्या क्या है वहाँ। तो गाइस शाम में हम लोग गए थे कुछ आसपास घूमने, अभी शाम हो गई है, अभी हम लोग आ गए हैं वापस फिर से। और यहाँ पर टिकट काउंटर है, देख रहे हो कितने काफ़ी लाइन हो गई है, ठीक है। विनोद हमारे लाइन में है, तो फटाफट यहाँ से टिकट ले लेंगे और चलते हैं एंट्री। तो एंट्री हम लोग को वहाँ से उस तरफ जाना पड़ेगा। सो गाइस टिकट हम लोग ले लिए 3 का, ठीक है, 3 आदमी का है इसमें। और हेलमेट आपको यहाँ पर जमा करना पड़ेगा, हेलमेट या बैग कुछ भी है। हाँ ये लीजिए, थैंक यू सर। चल गौरव भाई। सो गाइस फाइनली वी आर रेडी टू गो देयर, ओके। तो चलिए चलते हैं कोलकाता हैंगिंग रेस्टोरेंट, विश्व बांग्ला गेट, ठीक है। तो ये लाइक सीढ़ी है, यहाँ से जा सकते हो, बट काफ़ी ऊपर है, ठीक है। मैं हम लोग चलेंगे लिफ्ट से, तो लिफ्ट के लिए यहाँ पर अंदर। या थैंक यू। हाँ 3 जून, मेरा ब्लॉगिंग छूट गया तेरे चक्कर में, हम मोबाइल लेके परेशान है भाई। सो गाइस हम लोग पहुँच गए फाइनली ऊपर, ठीक है। ये रिसेप्शन यहाँ पे, सो गाइस देख सकते हो यही है विश्व बांग्ला करे हैंगिंग रेस्टोरेंट। लाइक ऊपर सेंटर पे ये राउंड कोन के अलग से बना हुआ है,
ठीक है, कोलकाता के जो ये मेन रोड है, ठीक है, बिस्तो बांग्ला गेट, ठीक है, वहीं पे ये रेस्टोरेंट ऐसे बना हुआ है और यहाँ से आप काफ़ी अच्छा व्यू ले सकते हो यहाँ पर कोलकाता का व्यू पॉइंट। सो गाइस ठीक है, रेस्टोरेंट से नीचे कुछ इस तरह से दिखता है। सो गाइस आप लोग कोलकाता आओ तो मस्ट विजिट करो ये कोलकाता का हैंगिंग रेस्टोरेंट बिस्तो बांग्ला गेट, ठीक है, काफ़ी मज़ा आने वाला है। पर 500 रुपये आपको मिनिमम देना ही पड़ेगा। यहाँ पे नीचे में एंट्री कराउंट टिकट काउंटर है और आप अंदर जाओगे तो ऐसे ही गोल 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 ही ये पूरा यहाँ से आपको कोलकाता का व्यूज़ भी मिलेंगे, ठीक है। तो अभी तो नाइट का टाइम है इसलिए अच्छे से नहीं दिख रहा है, पर दिन में आओगे तो और अच्छा लगता है। पैदल चलने से लिटरली लगता है ये हिल रहा है, आपको महसूस होगा ये हिल रहा है, ठीक है, इसलिए तो उसको हैंगिंग गार्डन हैंगिंग रेस्टोरेंट बोलते हैं। आपको अच्छा खासा महसूस होने वाला है कि ये हिल रहा है इतना, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपना टेबल ढूंढते हैं आगे धीरे, और उसके बाद कुछ ऑर्डर करते हैं खाना वगैरह क्या है यहाँ पे, ठीक है। सो ऐसे ही टेबल लगे हैं यहाँ पे, तो चलिए यहीं पे कहीं बैठते हैं हम लोग और देखते हैं खाने में क्या है। सो वी विल सिट हियर। ये रहा बिस्तो बांग्ला गेट का मेन्यू, देखते हैं अंदर क्या क्या है। स्टार्टर, डिजर्ट, सर स्टार्टर से क्या है, वेज नॉन वेज है ये, राइस ब्रेड, एड ऑन डिजर्ट, चलिए तो फटाफट डिसाइड करते हैं। गौरव भाई क्या खाओगे? विनोद, चलिए गाइस तो फटाफट कुछ डिसाइड करते हैं और मिलते हैं खाने के साथ। ये क्या भैया? चिकन टिक्का ममता, चिकन टिक्का ममता से स्टार्टर आया हम लोग का। एक और स्टार्टर मंगाया हम लोग, पैन फ्राइड रेड चिली फिश, देखते हैं। अरे भाई मेरे लिए तो रुक जाओ बे। थैंक यू। नहीं तुम्हारा सेकंड स्टार्टर पे आ गया, पैन फ्राइड रेड चिली फिश, फिश चिकन खा रहे हैं। गौरव भाई कैसा लग रहा है खाने में? बहुत अच्छा लग रहा है। विनोद यम्मी यम्मी। यार जो भी प्लेट था वो कितना का था? So guys, स्टार्टर हम लोग खा लिए दोनों, ठीक है। कुलचा, तंदूरी रोटी और चिकन का दो आइटम है, एक चिकन गार्लिक है और दूसरा पता नहीं भूल गए। तो हमारा तंदूरी रोटी और मसाला कुलचा दोनों आ गया, चिकन टिक्का लबाबदार आ गया, हॉट गार्लिक चिकन भी आ गया। ये हॉट गार्लिक चिकन, चलिए फटाफट खाते हैं। अब गाइस खाना खत्म, काफ़ी अच्छा खाना था, हाथ धो लेते हैं यहाँ फटाफट और चलते हैं बाहर। सो गाइस फाइनली हम लोग डिनर करके बाहर आ गए और चलते हैं घर। तो यही था हैंगिंग रेस्टोरेंट। आई होप आप लोग अच्छा लगा होगा वीडियो, ब्लॉग के साथ बने रहिए ऐसे ही, अपना प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए गाइस, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। सब्सक्राइबर मेरे को 1K कराना है। मिलता है अगले ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर।